आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। सबसे पहले हम इक्वालिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अगर हमें p ऑफ x ओवर q ऑफ x दिया गया हो और ये r ऑफ x और s ऑफ x के बराबर हो और हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इक्वालिटी प्रॉपर्टी के मुताबिक p ऑफ x और s ऑफ x बराबर होगा q ऑफ x और r ऑफ x के। अब हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अगर हमें p ऑफ x इंटू k ओवर q ऑफ x इंटू k दिया गया हो और ओवर के ऊपर और नीचे से k को कैंसिल कर दिया जाए, तो ये बराबर होगा p ऑफ x ओवर q ऑफ x के। अब हम एडिशन प्रॉपर्टी को देखते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर p ऑफ x ओवर q ऑफ x को r ऑफ x और s ऑफ x में ऐड किया जाए, तो ओवर के नीचे मौजूद वैल्यूज का एलसीएम लिया जाएगा, जिससे हमें ओवर के ऊपर p ऑफ x s ऑफ x हासिल होंगे। दरमियान में प्लस का साइन आएगा और फिर हमें q ऑफ x और r ऑफ x हासिल होंगे। अब हम सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर p ऑफ x ओवर q ऑफ x में से r ऑफ x और s ऑफ x को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो ओवर के नीचे मौजूद वैल्यूज का एलसीएम लिया जाएगा, जिससे हमें ओवर के ऊपर p ऑफ x और s ऑफ x हासिल होंगे। दरमियान में माइनस का साइन आएगा और फिर हमें q ऑफ x और r ऑफ x हासिल होंगे। अब हम मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक p ऑफ x ओवर q ऑफ x को जब r ऑफ x और s ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमें ये एक्सप्रेशन हासिल होगा। अब हम डिवीजन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। डिवीजन प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर p ऑफ x ओवर q ऑफ x को r ऑफ x और s ऑफ x के साथ डिवाइड किया जाए, जहां पर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज करते, तो r ऑफ x और s ऑफ x की जगह को चेंज कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेशन को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमें ये एक्सप्रेशन हासिल होगा। अब हम एडिटिव इनवर्स को डिस्कस करते हैं। इस केस में अगर हमें एक्सप्रेशन p ऑफ x ओवर q ऑफ x दिया गया हो और हम इसके साइन को चेंज करते, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में अगर हमें एक्सप्रेशन p ऑफ x ओवर q ऑफ x दिया गया हो और हम इसकी जगह को चेंज कर दें, तो ये हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हासिल हो जाएगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।